फिर से वापस यूपीएससी की इंडियन इकोनॉमिक क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उस टॉपिक सभी लोग उस टॉपिक को अच्छी तरीके से जानते हैं और सभी लोगों ने उसका नाम सुना होगा। अब कितना डेप्थ तक जानते हैं आप, ये आपके लिए जानना आवश्यक है। आज का जो टॉपिक है वो है पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ चीजें डिस्कस की, जिसमें कि पहली चीज ये थी कि भारत में गरीबी का सबसे पहले प्रेडिक्शन, सबसे पहले अनुमान किसने किया था। सभी लोग उसका उत्तर जानते हैं कि भारत में सबसे पहले जो गरीबी का अनुमान है वर्ष 1860 में दादा भाई नेहरू जी ने किया था, और उन्होंने 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय वार्षिक बताई। द अनब्रिटिश रूल ऑफ द पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया उनकी पुस्तक है। अब उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में गरीबी की वैज्ञानिक व्याख्या प्रोफेसर वी के वी राव सर ने की थी, और उन्होंने क्या अनुमान बताया था ये भी आपको पता है। तीसरी चीज, 1938 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, ठीक, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद एक दांडेकर, इन्होंने भी 1971 में गरीबी का प्रेडिक्शन लगाया था, जिसमें कि इन्होंने पोषण स्तर जो गरीबी का आकलन था वो पोषण स्तर के आधार पर। देखो बच्चों, होता क्या है, जितना छोटा हमारा पैमाना होगा गरीबी उतनी कम होगी, और जितना बड़ा पैमाना होगा गरीबी हमारी उतनी ही ज्यादा होगी। मान लीजिए कि यदि हम पोषण स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाते हैं तो मतलब कैलोरी के हिसाब से, खाने पीने के हिसाब से, एक्सपेंडिचर के हिसाब से, तो गरीबी का आकार छोटा है। यदि हम इसमें दो तीन चीजों को और जोड़ लेते हैं तो गरीबी थोड़ी और बढ़ी आएगी। यदि हम उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन, रहन सहन का स्तर, अगर इन सबको भी हम गरीबी के मापक के रूप में प्रयोग करेंगे तो गरीबी और अधिक बढ़ी आएगी, ठीक है ना। तो दांडेकर एवं रथ ने 1971 में पोषण स्तर के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाया। इसके बाद एक आए वाई के अलग, वाई के अलग समिति बनाई गई। किसके कहने पर बनाई गई, योजना आयोग इसका पुराना नाम है, जिसको वर्तमान समय में आप लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। योजना आयोग ने वाई के अलग की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और ये बताया कि गरीबी का, भारत में जो गरीबी है वो किस प्रकार से उसको मापा जाए। वाई के अलग कमेटी ने, योजना आयोग ने गठित पोषण संबंधी आवश्यकता ग्रामीण तथा शहरी स्तर, इन्होंने इन्होंने पोषण स्तर के साथ साथ मुद्रा स्फीति को भी शामिल किया। उन्होंने मुद्रा स्फीति के लिए
यहाँ पर पॉइंट आया मुद्रास्फीति। तो कितने लोग जानते हैं मुद्रास्फीति क्या होती है? कितने लोग जानते हैं मुद्रास्फीति क्या होती है? कोई बताएगा? देखिए, जब देश में उत्पादन की तुलना में ठीक है उमेश, कीमतों में ग्रोथ होती है। अब होती कैसे? जब देश में उत्पादन की तुलना में चलन चलन मतलब देश के अंदर जो मुद्रा चल रही है, चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए। और ध्यान समझिएगा, जब देश में उत्पादन की तुलना में चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए तो ये मुद्रास्फीति कहलाती है। इन्फ्लेशन और जब मुद्रा की मात्रा कम हो जाए तो मंदी कहलाती है। अच्छा ये बताइए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रास्फीति अच्छी होती है या मंदी अच्छी होती है, या दोनों अच्छी होती है, या एक अच्छी होती है एक बुरी होती है? किसी भी देश की शरद प्रताप सिंह कह रहे हैं एवरीवन बैलेंस्ड। अच्छा देखो बेटा, ना तो मंदी अच्छी होती, मंदी तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं होती। वर्तमान समय के परिदृश्य में भारत में या पूरे संपूर्ण विश्व में COVID-19 जैसी वैश्विक महामारी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण लोगों को क्या करना पड़ा, देश में वर्तमान समय में मंदी का माहौल, मंदी के माहौल से मतलब देश में जब मंदी की स्थिति आती है तो मंदी में लोगों के पास रोजगार नहीं होगा। जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, जब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो लोग वस्तुओं की मांग नहीं करेंगे, और जब वस्तुओं की बेटा मांग नहीं होगी तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा, देश की राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ेगी और देश की प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी और देश डाउनफॉल की तरफ चलने लगेगा। तो किसी भी हालात में मंदी अच्छी नहीं होगी। जिस तरीके से वर्तमान परिदृश्य में आप लोगों ने मंदी का दौर देखा, उसी तरीके में विश्व की सबसे पहली मंदी द फर्स्ट वर्ल्ड रिसेशन कहां पर आया, कौन बताएगा? विश्व में सबसे पहली मंदी कहां पर आई, किस सन में आई थी? चीजें थोड़ा सा याद रखिए। विश्व का जो वर्ल्ड का सबसे पहला रिसेशन था, जो सबसे पहला रिसेशन था वो 1929 से 1933 तक आया था। और कहां पर आया था? इंग्लैंड में आया था। ठीक, विश्व की सबसे पहली। जब ये मंदी आई तो आज जैसे COVID-19 की दवा बनाने में संपूर्ण विश्व के सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, उसी तरीके से जब वर्ल्ड में पहली बार रिसेशन आया तो किसी भी अर्थशास्त्री के पास इस रिसेशन को या मंदी को दूर करने का तरीका नहीं मालूम था। क्यों? क्योंकि ये पहली बार आया था। इससे पहले उन लोगों ने या संपूर्ण विश्व ने कभी मंदी का सामना ही नहीं किया था। तो जब वर्ल्ड का पहला रिसेशन आया और किसी के पास कोई उपचार नहीं था, तब इंग्लैंड का ही एक अर्थशास्त्री जिसको हम लोग जॉन ब्राउन कीन्स के नाम से जानते हैं, कीन्स ने 1936 में 1936 में एक बहुत अच्छी किताब लिखी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, बहुत फेमस बुक है, बहुत पूछी जाती है कि जब वर्ल्ड का सबसे पहला रिसेशन आया तो कौन सा अर्थशास्त्री था, इसमें से मंदी से कितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेबी से, जेएस मिल,
कि नेशनल इनकम, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट ये डिपेंड करता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को हम कहते हैं प्रभाव को मांग, और एग्रीगेट डिमांड डिपेंड करता है ईडी और एएस। एग्रीगेट डिमांड या प्रभाव को मांग कुल मांग और कुल पूर्ति पर डिपेंड करती है, और जो कुल पूर्ति होती है वो अल्पकाल में स्थिर होती है। मतलब क्या प्रभाव को मांग, अगर देश में मंदी से निकलना है तो देश में मांग का होना बहुत जरूरी है। कभी कभी आप देखते हैं एक बहुमूल्य प्रश्न है कि आज से लगभग 35 वर्ष पहले 1980 का दशक चला था, और 1980 के दशक में चीन एक ऐसा देश था जो अपने यहाँ के लोगों का भरण पोषण करने के लिए विदेशों से आयात किया करता था, विदेशों से वस्तुओं का आयात किया करता था। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा थी, वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा। अब आज वर्तमान समय में चीन पूरे विश्व का लगभग 50% एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है। ऐसा कैसे कर लिया चीन? आबादी भी थी उनकी काफी ज्यादा थी, हम लोगों से ज्यादा थी, लेकिन चीन ने इतना ज्यादा अपना जीडीपी डबल डिजिट में उसकी चल रही है, हम लोग एक ही डिजिट में ऊपर नीचे कर रहे हैं। ऐसा कैसे कर? केवल एक बात, चाइना ने जितने भी प्रोडक्ट बनाए, चाइना ने क्योंकि चाइना ने जितने भी प्रोडक्ट बनाए वो सब कैसे थे? चाइना के सारे प्रोडक्ट यूज एंड थ्रो थे। कैसे थे? सारे प्रोडक्ट यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट थे चाइना के। और जब प्रोडक्ट यूज एंड थ्रो थे, मतलब आप देखिए, आप चाइना का कोई भी आइटम लीजिए, फिर ले लीजिए, मान लीजिए बच्चे कहीं पर यूज करते हैं, उसका पेन कैसा है? आपने लिखा, रिफिल खत्म हो गई, आपने सॉरी इंक खत्म हो गई, आपने तुरंत दूसरा परचेज कर लिया। मतलब क्या हुआ? जैसे ही आपका यह पेन खत्म हुआ, आपने दूसरे पेन की डिमांड क्रिएट कर दी। जैसे ही आपने चाइना का एक पेन यूज किया, उसके बाद उसको आपने फेंक दिया और उसकी जगह दूसरे पेन का प्रयोग कर लिया। तो चाइना के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो कैसे हैं? यूज एंड थ्रो है। यूज एंड थ्रो का अर्थ ये हुआ कि जैसे ही आप उसका उपभोग किया, आपने दूसरी वस्तु की मांग कर दी, और जैसे ही आपने मांग कर दिया वैसे ही प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन कर दिया, और जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा कंट्री का, तो कंट्री की नेशनल इनकम भी बढ़ेगी और पर कैपिटल इनकम भी बढ़ेगी। यही चाइना का सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण कि चाइना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डिफेंस सेक्टर को छोड़कर ज्यादा पैसे नहीं खर्च करता, और प्रोडक्शन को इतना बल्क में कर देता है कि जिससे उसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। क्योंकि चाइना ने अपने यहाँ किसको प्रमोट किया? स्किल्ड लेबर, चाहे वो कोई भी हो, इलेक्ट्रीशियन हो, बढ़ई हो, कोई भी हो, वहां पर लोगों को क्या किया गया? स्किल्ड प्रोग्राम चलाया गया। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब कोई स्किल्ड वर्कर किसी भी काम को करता है, एडम स्मिथ का एक स्टेटमेंट था, आप लोगों को आना चाहिए, एडम स्मिथ ने ये कहा था, मैं इकोनॉमिक्स के फादर है, एडम स्मिथ ने कहा था कि डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट्स द स्पेशलाइजेशन। मतलब यदि हम श्रमिकों का वर्गीकरण करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें विशिष्टीकरण मिलता है, वर्तमान परिदृश्य विशिष्टीकरण का।
आज आपके आंख में दर्द होता है तो आप एमबीबीएस डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, आज आपके आंख में दर्द होता है तो आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, पेट में दर्द होता है तो पेट के जो स्पेशलिस्ट है उसके पास जाते हैं। क्योंकि जब कोई स्किल लेवर किसी भी काम को करे तो उससे क्या होगा, आप मान लीजिए जो स्किल लेवर है अगर वो किसी काम को करता है सबसे पहले क्या होगा, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि वो स्किल लेवर है वो आपसे अच्छा करेगा। दूसरा क्या होगा, टाइम सेविंग, समय की बचत हो जाएगी। जब कोई स्किल लेवर काम करेगा तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, नंबर तीसरा कॉस्ट रिड्यूसेस, लागतें कम हो जाएंगी। तो जब कोई स्किल लेवर काम करता है तो तीन चीजें होती है, समय की बचत होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है और उसके साथ साथ जो लागतें हैं वो कम हो जाती है। बात समझ में आई बेटा, तो इसके लिए बढ़ने ये चीज होती। तो चाइना ने उतने भी प्रोडक्ट बनाए तो सब कैसे थे, जू जेंट थे। बात की मंदी की, तो मंदी की दशा किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती। अब बात की जाए इन्फ्लेशन की, अब बात की जाती है तेजी की, तो बेटा तेजी देश के लिए अच्छी होती। इन्फ्लेशन बेसिकली इन्फ्लेशन चार प्रकार का होता है। नंबर पहला होता है रेंगता हुआ मुद्रा प्रसार, रेंगता हुआ मुद्रा प्रसार। नंबर दूसरा टहलता हुआ मुद्रा प्रसार, नंबर तीसरा दौड़ता हुआ मुद्रा प्रसार, और चौथा है सरपट दौड़ता हुआ मुद्रा प्रसार। इसको कहते हैं हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इसको कहते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन, इसको कहते हैं रनिंग इन्फ्लेशन, और इसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो मुद्रा प्रसार या मुद्रा स्फीति चार प्रकार की होती है। अब इन चारों में कौन सी मुद्रा इन्फ्लेशन या कौन सी मुद्रा स्फीति की दशा देश के लिए अच्छी मानी जाती है, तो आप तुरंत ही कहिएगा सर रेंगता हुआ जो मुद्रा प्रसार होता है, सर जो रेंगता हुआ मुद्रा प्रसार होता है रेंगता हुआ मुद्रा प्रसार देश के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें 3% to 6% 3% to 6% 6% to 10% 10% to 20% 100% मतलब जो रेंगता हुआ मुद्रा प्रसार है उसमें देश में हर वर्ष 3 से 6% मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि की जाती है। क्यों वृद्धि की जाती है, इसलिए की जाती है कि हर साल मान लीजिए अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो हमारे देश का जो TFR है, TFR कहते हैं बेटा टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट भारत का कितना है, 2.1%। भारत का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कितना है, 2.1%। मतलब क्या है, भारत की जनसंख्या प्रतिवर्ष 2.1 की वृद्धि दर से बढ़ जाती है। अब आप चाहे तो जोड़ लो, 2001 में जनगणना हमारी हुई थी उसमें 10 साल का जोड़ लो 2011 का 2.1 के हिसाब से निकाल लेना तो 2021 का आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो TFR रेट है टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कितना है 2.1, याद रखना चाहिए आपको। तो कौन सी मुद्रा स्फीति देश के लिए अच्छी होती है, तो आप बताएंगे सर मुद्रा स्फीति चार प्रकार की होती है, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग और हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, और क्रीपिंग इन्फ्लेशन में देश में जो मुद्रा स्फीति की जो दर होती है वो 3 से 6% होती है, ये अच्छी मानी जाती है क्योंकि प्रतिवर्ष हमारे देश की
पॉपुलेशन बढ़ जाती है। दूसरा कारण ये है कि हम हमारे यहाँ जो हम लोग करेंसी यूज करते हैं सर, वो रुपया यूज करते हैं जो कि प्लास्टिक के कागज के नोट होते हैं। और जब कागज के नोट हमारे यहाँ है तो कागज के नोट का जलने का, भीगने का, खराब होने का डर बना रहता है। तो हर प्रतिवर्ष हमारे हजारों रुपए, लाखों रुपए कट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, भीग जाते हैं, आग लग जाती है। तो जिसके कारण हमारे यहाँ क्या होता है, जो मुद्रास्फीति है वो 3 से 6% की दर से भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बढ़ा। तो अब कौन था भाई के, भाई के अलग, तो भाई के अलग सर ने ये कहा अलग बैठी की गलती के लिए, अलग इन्होंने मोशन इंस्पेक्टर को साबित किया ही किया गलती को मापने के लिए, प्लस मुद्रा स्फीति को भी साबित। अब मुद्रास्फीति का मतलब ये है कि मान लीजिए आज किसी वस्तु की कीमत कुछ और है, हाँ, कल कुछ और होगी, तो कीमतों में वृद्धि पाई जाती है। तो कहते हैं अब ये थोड़ी नहीं है कि आपने 2070 का मान लिया, अब 2080 तक वही रहेगा, हर साल महंगाई बढ़ती जाती है। तो इन शॉर्ट अगर हम मुद्रास्फीति को कह दें तो उन्होंने कहा हर साल जो वस्तुओं की कीमतों में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ उसको हमें पोषण स्तर के साथ जोड़ देना चाहिए। वाई के अगले तरीके इन्होंने अलग समिति उपभोग व्यय या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय को गरीबी के मापने के लिए एक आधार फेमस नाम
तेंदुलकर समिति या सचिन तेंदुलकर नहीं है,
सुन 2009 में फिर से नीति आयोग द्वारा या योजना आयोग द्वारा सुरेश तेंदुलकर ने गरीबी को मापने के लिए एक समिति बनाई गई और जिन्होंने मासिक उद्योग को आधार माना। आप देखिए जब सुरेश तेंदुलकर कमेटी की बड़ी आलोचना और क्रिटिसाइज किया गया कि उन्होंने मंथली कंजप्शन के आधार पर पॉवर्टी का जो एस्टिमेशन किया था वो उतना पर्याप्त नहीं था, बड़ी कृत्रिम हुई सरकार की, तो सरकार ने वर्ष 2012 में फिर से सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई और उस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी 13 में उसमें 1407 रुपये क्षेत्रों के लिए और 972 रुपए गरीब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अर्थात 47 रुपए पर डे और 32 रुपए जो लोग खर्च करते हैं 32 रुपए उससे ऊपर वो एपीएल में आते हैं और जो उसके नीचे खर्च करते हैं वो बीपीएल में आते हैं, तीनों ही पॉवर्टी लाइन में आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर नोट करिए आप लोग, वर्तमान समय में भारत में गरीबी का आकलन
में सर वर्तमान समय में भारत में गरीबी का आकलन श्री रंगराजन समिति ने अपना डेटा दिया था उसके आधार पर होता है, और उसमें 1407 रुपये शहरी क्षेत्रों के लिए और 972 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उन्होंने बताया था। जो 972 रुपये से ऊपर खर्च करता है उसे एवरेज बीपीएल में, और अगर यदि वो उससे कम खर्च कर रहा है तो उसे बीपीएल में या बिलो इन पॉवर्टी लाइन में किया जाता है। तो याद रखिएगा भारत में गरीबी का जो आकलन है वर्तमान परिदृश्य में किया जाता है इसके द्वारा। और इन्होंने इसका बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया, इन्होंने कुछ और चीजें तो नहीं, ठीक बना लीजिए, कैलोरी प्रोटीन शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी, शहर में 2090 कैलोरी, गांव में 2155 कैलोरी, प्रोटीन 48 ग्राम 50 ग्राम पर डे का है, और फैट वसा या फैट 28 ग्राम और 26 ग्राम, 28 ग्राम शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 26 ग्राम फैट। हो गया, कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी बच्चे को? दादा भाई नरोजी से आपको शुरू करना है, 1860 से चलना है, और कहां पर आकर बंद करना है? 2012 में श्री रंगराजन पर आकर बंद करना है। श्री रंगराजन कमेटी ने जो जो रिकमेंडेशन मानी उनको आपको लेना है और बताना है वर्तमान परिदृश्य में भारत में गरीबी का आकलन श्री रंगराजन समिति की अनुशंसाओं पर या रिकमेंडेशंस पर ही किया जाता है। यहां तक सभी लोगों को बेटा आ गया? मैसेज करके बता दूंगी। कुछ पूछना हो यहां तक वो भी पूछ सकते हैं आप। नहीं पूछेंगे तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, हमें ये लगेगा कि आप लोगों के समझ में आ गया। बहुत अच्छा टॉपिक है, पीटीओ चाहे मेंस हो प्रश्न आना ही आना है पॉवर्टी का, तो आपको दादा भाई नरोजी से शुरू करना है और श्री रंगराजन पर आकर बंद करना है। अगले हेडिंग डालने के लिए इंडिया पॉवर्टी एनालिसिस, भारत में गरीबी का आकलन।
नंबर पहला डाल सी रंग राजक, दूसरा डाल दीजिए सुरेश तेंदुलकर, तीसरा डाल दीजिए विश्व बैंक और चौथा डाल दीजिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम लोग एडीबी के नाम से जानते हैं, एशियन डेवलपमेंट। नोट करिए वर्तमान समय में भारत में कुल आबादी का 29.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, ठीक है। ठीक सीरत राजे के हिसाब से 29.5 मतलब अगर मान लीजिए 10 लोग है तो 10 में 3 लोग ऐसे हैं जो कैसे हैं गरीबी रेखा के नीचे हैं। सुरेश तेंदुलकर के हिसाब से 21.9% लोग गरीबी रेखा से नीचे है और भारत में विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है 21.2% लोग गरीबी रेखा के नीचे भारत में जीवन यापन कर रहे हैं और एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है 12.4%। याद रखिएगा इसका ऑर्डर पूछा जा सकता है, ऑर्डर पूछा जा सकता है भारत में गरीबी के अनुमान में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो सबसे पहले एडीबी के वर्ल्ड बैंक सुरेश तेंदुलकर की सही रंग राज है, ये ऑर्डर याद रखिएगा। इसलिए आपको ये चीज बताई जा रही है कि अगर ऑर्डर आया है तो ऑर्डर बताइए किसने कितना प्रोडक्शन किया असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको मालूम है, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा CSWA सी सी रंग राज है, सुरेश तेंदुलकर वर्ल्ड बैंक और एक एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये एक ऑर्डर याद रखिएगा। वर्तमान दृश्य में भारत में गरीबी का आकलन का जो प्रतिशत लगाया है अलग अलग संस्थाओं के द्वारा और समितियों के द्वारा वो ये है, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं। अगला पॉइंट डालिए इसी में ही है, गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया है। कौन बताए बताइए कि भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है। ठीक, भारत में गरीबी का जो डाटा आता है उसे जारी कौन करता है और किस विभाग के द्वारा भारत में गरीबी का आकलन किया। तो पहला प्रश्न, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है बताइए। देखिए कौन बताता है, सर्वप्रथम सभी बच्चों को आना चाहिए, कौन बताता है जल्दी से, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक।
कई सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, कोई नहीं बता रहा है। कि भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है? भाई हमारा काम है बताना, वो अच्छी बात है, लेकिन हम भी तो ये देखें कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा कितनी है, उसे कितना चीजें पता है। क्योंकि अभी ऑनलाइन के माध्यम से हमें आपकी डेप्थ नहीं पता चल पा रही है कि आपकी डेप्थ कितनी है, आप किस गहराई पर है समुद्र में। पूजा है जुड़ी हुई है, प्रियंका है, रोशनी देवी है, कई सारे बच्चे जुड़े हैं। बताया जरा भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है? बहुत आसान प्रश्न। रोशनी पता है आपको बेटा? नहीं पता। बहुत छोटा सा प्रश्न है, आना चाहिए। भारत में पहले की बात है, अभी वर्तमान प्रदर्शन का हुआ, भारत में पहले गरीबी का आकलन NSSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी NSSO केंद्रीय शांति की कार्यक्रम और क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है, ठीक। लेकिन वर्ष 2019 में इंपॉर्टेंट किया है, लेकिन वर्ष 2019 में NSSO और CSO CSO को कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वो वर्तमान में भारत के गरीबी का आकलन CSO के द्वारा, सॉरी NSO के द्वारा किया जाता है। अब यहां से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन के आ रहा है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आ रहा है, भारत में जितने भी सर्वे होते हैं, भारत में चाहे वो गरीबी के हो, चाहे वो महंगाई के हो, चाहे बेरोजगारी के हो, चाहे कोई भी सर्वे, भारत में जितने भी सर्वे होते हैं किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रियंका, प्रियंका जुड़ी है आप? पूजा, बेटा आवाज प्रश्न ना आना कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता है इसीलिए आप पढ़ रहे हो, आता होगा तो आप नहीं पढ़ रहे हो, नहीं आता इसीलिए पढ़ रहे हो। दो ही चीजें होंगी, या तो गलत होगा या सही होगा, गलत होगा तो उसको सही किया जाएगा,
उमेश नहीं नहीं गलत है, भारत बहुत गलत है, छोटी छोटी चीजें हैं। लेकिन अच्छा है आपने एफर्ट्स किया, आपने प्रयास किया, ये अच्छा लगा। लेकिन और लोग तो प्रयास ही नहीं कर रहे हैं ना, और प्रयास नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि जो व्यक्ति प्रयास करेगा वही सफल होगा, जो प्रयास नहीं करेगा वो सफल नहीं होगा। तो आपको बताने का प्रयास करना चाहिए, दो ही चीजें तो होगी, या तो सही होगा या गलत होगा। क्या लिखा पूरा यूएन यूनाइटेड नेशन क्या लिखा है, भारत में जितने भी सर्वे किए जाते हैं वर्तमान समय में, ठीक है, जितने भी सर्वे किए जाते हैं, चाहे वो महंगाई के हो, चाहे बेरोजगारी, कोई भी सर्वे हो, एनएसओ करता है, एनएसओ याद रखिएगा। भारत में किसी भी बच्चे पूछेगा कि भारत में जितने भी सर्वे हो रहे हैं कौन कर रहा है, एनएसओ कर रहा है, लेकिन एनएसओ बना कब, तो आप बताएं कि सर एनएसओ 2019 में बना, एनएसओ बना कैसे, एनएसओ एनएसएसओ और सीएसओ को मिलाया गया, तब जाकर एनएसओ 2019 में बना, जिसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के नाम से जानते हैं। तो भारत में जितने भी सर्वे होते हैं वो एनएसओ के द्वारा किए जाते हैं। क्लियर, कोई डाउट किसी बच्चे को, हाँ रोशनी क्या कह रही बेटा। तो अब आपसे अगर कोई पूछे, अगर आप किसी को पूछना तो आप पूछिए, बताइए भारत में बेरोजगारी के इसके सर्वे उसके सर्वे कौन कौन करता है, तुरंत आप बताइएगा कि सर इसके सर्वे एनएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किए जाते हैं, जिसे वर्ष 2019 में बनाया गया, और इससे पहले ये काम एनएसएसओ करता था, ठीक है। अब एनएसएसओ और सीएसओ केंद्रीय संगठन को खत्म करके एनएसओ बना दिया। और जो गरीबी के डेटा है, जो गरीबी का जितना भी डाटा है उसे पब्लिश कौन करता है, एक प्रश्न और, अब जो गरीबी के डाटा है उसे पब्लिश कौन करता है, गरीबी के जो डाटा होता है, हो सकता है इतना टाइप करके आप लोगों ने देख लिया, भारत में जो गरीबी का डाटा है वो नीति आयोग आगे जो हम लोग रीजनल ब्लॉक्स पढ़ेंगे, ठीक है, रीजनल ब्लॉक्स में हम लोग अभी आगे चलकर आपके टॉपिक में है, आपके सिलेबस में इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन, जिसमें विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स, इप्सा, बिमस्टेक, G20, G7, G5 जितने ग्रुप्स हैं, G11, ठीक है, दचेस, साफ्टा, अंकटाड, आप समझ रहे हैं, संघाई, ये सारे डिजिटल ब्लॉक्स हैं। जब आप पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा और समझने का है कैसे हमारे इंटरनेशनल रिलेशन अन्य देशों के साथ है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे FTP, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जिसमें हम लोग गुजरात मॉडल, कृष्णा डॉक्ट्रिन, डेमोक्रेसी 1, डेमोक्रेसी 1.5, डेमोक्रेसी 2, लेकिन तब पढ़ाने में और मजा आता है जब बच्चा अपना रिएक्ट देता है, प्रयास करता है, तो टीचर को भी ये लगता है नहीं बच्चा प्रयास कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है,
इतने सारे लोग हैं, सारे लोग जो भी आपके ग्रुप में है उनको बताइए कि भाई क्लास ऑफ अगर आप नहीं ले रहे हैं, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, इसलिए क्योंकि आप किसी ना किसी तरीके से अपनी मेहनत से सही दिशा में अपनी एनर्जी और पोटेंशियल को लगाकर जो भी आपने अपने लिए आयाम सोचा है जीवन का, उस आयाम को आप हासिल कर सकते हैं। अब इतने सारे लोग हैं तो ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में ये चीज बताइए बच्चों को कि जो भी क्लास हो रही है उन क्लासों को अधिक से अधिक अटेंड करें, उसका फायदा आपको ही मिलेगा। नहीं, अगर आपने नहीं किया तो आप समझिए आपके पास आया कुछ नहीं, लेकिन आपके पास से बहुत सारी चीजें चली गई। अगर आप क्लास करते रहेंगे, सुनते रहेंगे और नोट करते रहेंगे तो आप ये समझिए आप अपने जीवन में आगे की तरफ एक बढ़ते चल रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में हम लोग अर्थशास्त्री हैं या पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है, और मैं देखता हूँ कि आने वाले समय में अभी आप गरीबी पढ़ रहे हो, आप इन्फ्लेशन पढ़ रहे हो, आपको भी पता होगा 2030 में महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, अगर अच्छी जॉब्स नहीं हुई, अच्छे आप लोगों के पास नहीं हुए तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आप लोगों के पास एक ही हथियार है इससे बच्चा अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है, वो है क्या, शिक्षा। तो इसीलिए अधिक से अधिक बच्चे, सारे लोगों को जोड़िए, जो भी बच्चे क्लास में हैं उनको अच्छे तरीके से जोड़िए, जिससे सबका हित हो सके। जब सबका हित होगा तब सामाजिक हित होगा, तब समाज का हित, ठीक। अब हम आज इसी में से आज कुछ जॉब्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जॉब सभी लोग जानते हैं जॉब्स के बारे में, आज कुछ जॉब्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए कौन कौन बता रहा है, ठीक है। अब देखें कौन कौन बताता है। नंबर पहला है गोल्ड कॉलर जॉब, नंबर दूसरा है ग्रे कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, पिंक कॉलर जॉब, ब्लैक कॉलर जॉब, ग्रीन कॉलर जॉब, ब्लैक कॉलर जॉब, ओपन कॉलर जॉब और व्हाइट कॉलर जॉब। तो किसको कौन सी जॉब आती है, कोई है किसी को अगर आता हो तो बताए। कि इस जॉब में किस तरीके के व्यक्ति होते हैं और किस सेक्टर में इस प्रकार की जॉब देखने को मिलती है, बताइए जरा।
आशुतोष तिवारी, आशुतोष आशु कनेक्ट है आप? कोई जॉब यहां पर आठ जॉब मेंशन है, ठीक है, गोल्ड कॉलर जॉब, पिंक कॉलर जॉब, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, ओपन, कोई जॉब पता है आपको? चलिए कोई बात नहीं, अभी बता दो। ठीक, पहला है गोल्ड कॉलर जॉब। गोल्ड कॉलर जॉब में कौन लोग आते हैं? गोल्ड कॉलर जॉब में जो लोग हाईली स्किल्ड होते हैं, गोल्ड कॉलर जॉब जो हाईली स्किल्ड होते हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर, ठीक है, एडवोकेट्स, जो लोग काफी हाईली स्किल्ड होते हैं उनको हम कहते हैं इसमें गोल्ड कॉलर जॉब। लिखिए गोल्ड कॉलर जॉब में हाईली स्किल्ड नॉलेज वाले लोगों को इंक्लूड किया जाता है, डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये सारे लोग। अब ग्रे कॉलर जॉब में, ग्रे कॉलर जॉब में आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट जो लोग पैसा कमाते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट के बाद किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो आफ्टर रिटायरमेंट जो लोग पैसा कमाते हैं उनको हम कहते हैं ग्रे कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब कहां देखने को मिलता है? ब्लू कॉलर जॉब देखने को मिलता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। यहां पर लोग प्रतिदिन के हिसाब से पैसा कमाते हैं, पर डे उनको वेजेस मिलती है, प्रतिदिन के हिसाब से वो लोग पैसा कमाते हैं। जैसे कौन कौन हो गए, जैसे मान लीजिए पेंटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ठीक है, फिटर हो गया, नंबर साफ करने वाला हो गया, नंबर डल वाला हो गया, ये लोग कैसे हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और पर डे के हिसाब से पेमेंट पाते हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं क्या? ब्लू कॉलर जॉब, ठीक है। तो ग्रे कॉलर हो गया, गोल्ड कॉलर हो गया, ग्रे कॉलर जॉब में आफ्टर रिटायरमेंट। अब आफ्टर रिटायरमेंट में आप लोग नोट कर लो, जैसे डॉक्टर्स होते हैं जो रिटायरमेंट की बात करते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं जो घर बैठे काम करते, मतलब रिटायरमेंट के बाद काम करते रहते हैं, ठीक है। तो ब्लू कॉलर जॉब, और अब आया पिंक कॉलर जॉब। पिंक कॉलर जॉब वर्क से रिलेटेड नहीं है, पिंक कॉलर जॉब का मतलब ऐसे लोग जहां पर जो सैलरी होती है वो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, सैलरी बहुत कम होती है, क्योंकि वो लोग बैठ के काम करते हैं। इसमें पिंक कॉलर जॉब में नोट कर लो, जैसे लाइब्रेरियन और रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट पिंक कॉलर जॉब बैठ के काम करने वाली, जैसे लाइब्रेरियन होता है, अब होना एक है शिफ्ट पे दिन भर बैठा रहता है, काम कुछ करता नहीं है, रिसेप्शनिस्ट है तो उन्हें ये लगता है इंटरव्यूअर्स को कि भाई ये लोग बैठ के खा रहे हैं, तो उनको बहुत कम मिनिमम सैलरी दी जाती है। तो जो बहुत कम सैलरी पर जो लोग काम करते हैं और फ्रंट टू ऑफिस होते हैं, मतलब ऑफिस में ही बैठते हैं, ऑफिस के सामने, तो उन्हें हम कहते हैं पिंक कॉलर जॉब, ठीक है। अब ब्लैक कॉलर जॉब, ठीक, ब्लैक कॉलर जॉब जिसमें हाथ मारे हुए हैं, ये कहां लगेगा? ऑयल के और माइनिंग सेक्टर में, ठीक है। ब्लैक में ऐसी जगह है जहां पर हाथ काले हो जाए, तो हाथ काले कहां होंगे? ऑयल सेक्टर में या माइनिंग सेक्टर में। तो उस तरीके से यहां हम लोग जो ऑयल और माइनिंग सेक्टर की बात करते हैं उन्हें हम लोग ब्लैक कॉलर जॉब कहते हैं। अगला है ओपन कॉलर जॉब।
ओपन कॉलेज जॉब है रिफर्स टू वर्कर हु वर्क फ्रॉम होम बाय इंटरनेट। जो लोग अपने घर से ही काम करते हैं, जो लोग अपने घर से ही काम करते हैं, जैसे हम आपको इंटरनेट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ओपन कॉलेज जॉब। ठीक, ओपन कॉलर जॉब में जो लोग घर से या इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं उनको हम ओपन कॉलर जॉब कहते हैं। ग्रीन कॉलर जॉब नाम से ही किया है, ग्रीन तो एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, जिस पर भी वो काम कर रहे हो जिससे एनवायरनमेंट को राहत मिले, तो उनको हम कहते हैं कौन सा? ग्रीन कॉलर जॉब। आखिरी बचा व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब में कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब जहां पर प्रोविडेंट फंड भी कटता हो, आपको पेंशन भी मिलती हो, मिलेगी अंतिम हाईली सैलरी डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, व्हाइट कॉलर जॉब हाईली स्किल लोगों के लिए होता है जिसमें संगठित क्षेत्र में जो बात करते हैं कोई दिक्कत? कौन सी जॉब समझ में नहीं आई आप लोगों को? संगीता यादव, एनीवन डाउट हियर? एट टाइप्स ऑफ कॉलर जॉब, गोल्ड, ग्रे, ब्लू, पिंक, ब्लैक, ग्रीन, ओपन और व्हाइट। पूजा क्या कह रही हो, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम समझ में आया? कल वाली क्लास में आपसे पूछा जाएगा और रिटायरमेंट के बाद जो लोग काम करते हैं डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स, ब्लू पर डे के हिसाब से ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले, पिंक फ्रंट टू ऑफिस काम करने वाले, लाइब्रेरी रिसेप्शनिस्ट, ब्लैक ऑयल और माइनिंग सेक्टर में काम करने वाले, ग्रीन एनवायरमेंट से रिलेटेड काम करने वाले रिन्यूएबल एनर्जी पर, ओपन कॉलर जॉब इंटरनेट के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ ओपन कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है, हाईली सैलरीड होता है, जहां पर प्रोविडेंट फंड और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय उतने भी है या वो सब लोग इसमें आते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। तो ये आठ प्रकार की जॉब्स है, ये आपको आ गई। कोई दिक्कत? उमेश, आप उमेश ने पूछा सर पुलिस सर्विस किसमें आएगी, तो आप इसमें देख लो किसमें जा रहा है, पुलिस वालों को प्रोविडेंट फंड पीएफपीएफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर उनको प्रोविडेंट फंड पेंशन और हाईली सैलरी मिलेगी तो वो लोग इसमें जाएंगे व्हाइट कॉलर। तो आंसर आपको खुद ही पता है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जब एक बार आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो एग्जामिनर कहीं से भी पूछे, आपको कैसे भी घुमा के पूछे, आप उसका आंसर बता देंगे, लेकिन अगर आपने चीजों को याद करने का या रटने का प्रयास किया तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप चीजें समझ जाएंगे। आठ प्रकार की है, आपस में डिस्कस करिए, ग्रुप में डिस्कस करिए, एक दूसरे से पूछिए, जितना आप शेयर करेंगे अपनी नॉलेज को दूसरों से उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी और उतना आपका वो होगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, कल हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे पॉवर्टी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट को भी उसमें जोड़ेंगे और
पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है आप अपनी कलेक्ट करिए, कल वाली क्लास में आप उसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एनी डाउट, आज की क्लास कैसी लगी व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, क्या उसमें और आपको क्या क्या पूछना है ये भी आप हमें बता दीजिएगा। अच्छा तब लगेगा कि आप रिस्पॉन्स भी बताते रहे कि नहीं सर मजा आया पढ़ने में, अच्छा लगा, ये ग्रुप में डाल दीजिएगा, बता दीजिएगा और क्या क्या आपको और जानने की इच्छा है वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास समय कम है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कंटेंट ज्यादा है तो कंटेंट को हमें कंप्रेस करना है, अब हम कितना कंप्रेस करके बता पाएंगे इसके बारे में आप शेयर करते जाइए, हम उसको बताते जाएंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू फॉर द क्लास। बाकी